नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिबिन। आज का वीडियो स्पेशल वीडियो दोस्तों। इंडिया में जो फुटवेयर बिजनेस होती है, जो चप्पल वगैरह जो बिजनेस होती है इंडिया में, और उसका जो टैग वगैरह होती है, देखिए ना अपने, उसका जो प्राइस टैग वगैरह होती है ये किस तरह लगाता है, और उसका जो कस्टमर जब आएंगे उसको बिल कैसे देंगे, और उसका जो हार्डवेयर वगैरह लगती है वो उसको क्या प्राइस हो सकता है, कितना प्राइस है हार्डवेयर का, उसके कंप्यूटर का क्या प्राइस है, कौन सी सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए, मतलब बिलिंग सॉफ्टवेयर कौन से चाहिए, और आपका जो भी कस्टमर आएंगे उसको ऑटोमेटिक SMS कैसे भेजेंगे, जैसे बिल काटेंगे ना उसको जो भी कस्टमर का, तो ऑटोमेटिक उसका मोबाइल पे SMS कैसे जाएंगे, किस तरीके से प्रिविलेज ऑप्शन चला सकते हैं, यानी कूपन कार्ड वगैरह होते हैं ना जो, कैसे चला सकता है मतलब प्रिविलेज कार्ड एक अलग होता है, कूपन कोड एक अलग होता है, दोनों मैं आपको बताता हूँ, और सेल्स रिपोर्ट किस तरीके से होती है, GST रिपोर्ट किस तरीके से मिलती है, और सरकार का समाधान प्लान में जो GST है उनको कैसे चला सकता है, A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देंगे, एक्स्पेशली ये हार्डवेयर का कॉस्ट, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हमने एक नया बिजनेस शुरू करती है सबसे ज़्यादा हमको दिक्कत देती है हार्डवेयर का प्राइस, प्रिंटर हार्डवेयर, गैस ड्रायर, कंप्यूटर, ट्रस्ट स्क्रीन, जो भी चाहिए उसका प्राइस, सब कुछ मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन आदि इस वीडियो ट्यूटर में दे देंगे। वीडियो थोड़ा मैंने लंबा कर दे रहा हूँ दोस्तों, आपका पेशेंस हमको चाहिए प्लीज़, क्योंकि आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जी, आपका सारी मतलब जो मतलब फुटवेयर बिजनेस होती है ना, फुटवेयर बिजनेस यानी चप्पल जूता जो भी है, पेट्स बैग वगैरह सब कुछ होती है उसमें, ये बिजनेस में A to Z इन्फॉर्मेशन में आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में दे देंगे, A to Z इन्फॉर्मेशन। इसमें अगर कोई चीज़ मिस किया तो हमको बोल देना, हम उसको भी अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लेके चलता हूँ आपको, ये हार्डवेयर का क्या प्राइस होती है, कंप्यूटर बहुत सारे हार्डवेयर होती है, मैं आपको वन बाई वन दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने हार्डवेयर में आएंगे, हार्डवेयर में देखो, हार्डवेयर मैंने आपको सारे हार्डवेयर दिखा देता हूँ, हार्डवेयर दिखाने के पहले एक चीज़ वेरी क्लियरली बोलता हूँ, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेड है, कौन से हार्डवेयर आपको लगाने में, सारे के सारे आइडिया आप देंगे। देखो एक हार्डवेयर होती है, देखो कैश ड्रॉयर, ये आपने बहुत सारे जगह पे देखा होगा कैश ड्रॉयर, ये आप नहीं लगाया तभी चलता है, लगाए तभी भी चलता है। आप कैश ड्रॉयर लगाने से आपको थोड़ा सा मतलब स्टाइलिश अलग होती है, जो प्रिंट करते हैं तुरंत ड्रॉयर बाहर आती है, वो स्टाइलिश अलग होती है। इसका प्राइस है दोस्तों 3600 या 3800 रुपीज़ के बीच में, 3800 या 3600 इन बिटवीन में ये कैश ड्रॉयर आती है, ये TVS कैश ड्रॉयर है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। सब कुछ दिखाना भी मतलब कैसे कनेक्ट करना ये भी हम दिखा देंगे। इसका ऊपर आप कौन से कंप्यूटर लगाना चाहते हो डिपेंड्स, समझ लीजिए आपने टच स्क्रीन लगाना चाहते हो, मैं टच स्क्रीन दिखाता हूँ, देखिए ये अपना टच स्क्रीन कंप्यूटर, ये आप लगाने का जरूरी है क्या, नहीं आप अगर समझ लीजिए थोड़ा सा दिखावा करके, मतलब समझ लीजिए आपका स्टाइल पैशन में लगाना चाहते हैं, आप टच स्क्रीन को लगाओ। टच स्क्रीन आपको बहुत वैरायटी प्राइस में मिल जाती है, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है ना, टच स्क्रीन का सर्विस का प्रॉब्लम है। टच स्क्रीन आप लगाइए कोई बात नहीं, ब्रांडेड टच स्क्रीन सब कुछ अराउंड 35-40-50,000 तक आती है मात्र टच स्क्रीन कंप्यूटर, यानी इसके पीछे कंप्यूटर भी होती है ना जी, इसके जो बैक साइड में कंप्यूटर भी फिट होता है, यानी सब बिल्ट है इसमें, क्या ना आपको टच स्क्रीन लगा सकता है, लेकिन आपको इतना पैसा खर्चा जाएगा वह ना, ये मेन है, लेकिन स्टाइल अलग होता है जिसका, देखिए मात्र ये टच स्क्रीन कंप्यूटर का इतना प्राइस आती है 40, और डिपेंड्स, और सस्ता वाला भी है लेकिन वो चलता नहीं जी, क्योंकि RAM वगैरह ना जो थोड़ा सा i3 प्रोसेसर और उसका रेसोल्यूशन वगैरह 2000 एटलीस्ट 2000 पिक्सल्स रेसोल्यूशन वगैरह है, फिर वो चलता है नहीं, तो आप हाथ लगा देंगे हम घूमेंगे, हाथ लगाओ फिर घूमेंगे, समझ रहे ना, जिस तरीके से होती है, तो जैसा बढ़िया क्वालिटी का हो उसका प्राइस बढ़ के जाती है। ये टच स्क्रीन है, अगर आपको और सस्ता करना है टच स्क्रीन विद कंप्यूटर लेने के लिए, आपके पास बजट नहीं है, नो प्रॉब्लम, सेम ये जो दिख रहा है ना आपको इस तरीके से, सेम आपको टच स्क्रीन बिना कंप्यूटर में टच स्क्रीन मॉनिटर मिलता है, प्लस आप अपने ना नॉर्मल CPU होता है वो लगा दीजिए, मतलब टेबल के नीचे लगा दीजिए, नॉर्मल कंप्यूटर का जो बड़ा CPU होता है ना जी, उसमें क्या होता है दूसरा फायदा क्या है, आपको सर्विस मिल जाती है,
यानी कहीं भी जाओ इंडिया में कॉर्नर में जाओ, उसका सारे सर्विस सस्ता भी है। यानी उसका सीपीयू में अगर समझ लीजिए रैम खराब हो गया आपका और हार्ड डिस्क खराब हो गया, मिलता है ना जी, बहुत ईजिली मिल जाती है ना ये। और ये जो मॉनिटर है ना जी, नॉर्मल मॉनिटर आप चेंज करके आप टच स्क्रीन मॉनिटर लगा दीजिए। टच स्क्रीन मॉनिटर मात्र मैं अमेज़न में लास्ट टाइम देखा था कुछ 17 या 16 इंच का टच स्क्रीन मॉनिटर अराउंड 17,000 या 16,000 रुपीज़ में मैंने देखा था अमेज़न में। आप देखिएगा, आपको ढूंढ के नहीं मिलेगा तो मेरे को बोल देना, मैं आपको दिखा देता हूँ टच स्क्रीन मॉनिटर। ओके, अभी हो गया इतना। देखो मॉनिटर कोई भी लगाओ, देखिए आप इस तरीके से लगाए, लेकिन दिखने में बहुत स्टाइलिश। और ये प्रिंटर वगैरह अगर साथ में बैठा दिया, समझ लीजिए प्रिंटर दिखा देता हूँ, थर्मल प्रिंटर वगैरह इधर साथ में लगा दिया, आई वाह देखिए क्लास लुक मिल जाती है। और हम इसका भी प्राइस दिखाता हूँ। ये जो मात्र बिल आने वाला प्रिंटर है दोस्तों, ये प्रिंटर आपको अमेज़न में मिलता है। ये एक्स प्रिंटर का प्रिंटर है, बहुत अच्छा प्रिंटर है, स्ट्रॉन्ग प्रिंटर है। ये प्रिंटर आपको लगभग 6,000 रुपये में मिल जाती है, 6,500 वो प्राइस रेंज में मिल जाती है। थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी होती है, आप देखिए ना उसको, इसमें मात्र बिल प्रिंट होती है। अगर समझ लीजिए आपको जो फुटवेयर शॉप में क्या होती है, बेसिकली आपको ये प्रिंटर के अलावा, मैंने यस्टरडे और एक प्रिंटर का रिव्यू बनाया था, TVS का प्रिंटर दिखाता हूँ दोस्तों। TVS का प्रिंटर ये जो प्रिंटर देखिए, ये वाला प्रिंटर, ये थोड़ा सा साइड में नीचे लगा दीजिएगा इस तरीके से, यस जगह नहीं है तो। इसमें आपको बारकोड भी निकल जाएगा या प्रिंटर भी निकल जाएंगे। TVS LP46 नियो बोल के जो प्रिंटर है ना, ये प्रिंटर आपको लगभग मात्र प्रिंटर का प्राइस आपको 13,700 कुछ दिख रहा था मैंने अमेज़न में। अगर लोकल आपने लिया तो शायद उससे भी सस्ता मिल जाती है। TVS LP46 नियो आप अमेज़न में देख सकते हैं, ये जो प्रिंटर का प्राइस। ओके, मैंने आगे लेके चलता हूँ। देखो अगर ये प्रिंटर आपने लेती है तो उसके साथ साथ आपने रिबन का रोल लेना है और अपना 2x1 inch ड्यूअल यानी 2 up यानी 1x2 दो दो प्रिंट होती है। थर्मल पेपर स्टिकर रोल, थर्मल स्टिकर रोल लेना चाहिए और जो बिल प्रिंट करने के लिए जो बिल वाला पेपर भी चाहिए, दूसरा प्रिंटर में भी चाहिए, दूसरा प्रिंटर में मात्र यही चाहिए क्योंकि उसमें बारकोड नहीं आती। ये वाला प्रिंटर में बारकोड भी आती है, आपको बिल भी आ जाती है। तो ये जो पेपर का प्राइस क्या है, 80 mm थर्मल पेपर रोल, वन रोल आपको 50 या 60 रुपीज़ का अंदर अंदर रिटेल में मिलती है। होलसेल में आपने लेते हैं लगभग 40-45-50 रुपीज़ यानी वो रेंज में मिल जाती है। लेकिन क्वालिटी नंबर वन ले लीजिए जी। पहले ब्लैक कलर था, अभी इसका अंदर से ब्लू कलर प्रिंट हो जाती है वो पेपर के हिसाब से। और ये जो है ना जी, मेरे हिसाब से 350 रुपीज़ कुछ 4,000 या 3,500 या 4,000 के अंदर अंदर स्टिकर है, 3,500 लगता है, यस 3,500 स्टिकर है इसके अंदर। और ये मैंने लिया था 350 या 360 रुपीज़ के अंदर अंदर लिया था एक रोल, ठीक है जी। और ये भी मैंने उतना ही है, ये 300 मीटर है यानी बहुत लंबा लाइफ है जी उसका। ये मैंने लिया था अराउंड 180 या 200-220 लेस देन 300 है जी इसका भी मेरे हिसाब से, मेरे को यस लेस देन 300 रुपीज इसका है ना, इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाती है। ये हार्डवेयर का प्राइस आपको समझ में आया ना जी। और आपको चाहिए एक बारकोड का गन चाहिए, देखिए ये जो गन जो है आपको, देखिए ये जो TVS 101 बारकोड गन है, ये मैंने क्यों हमने रखा हुआ करके, इसका कोई कंप्लेन है ही नहीं जी अभी तक है ना। आप जितना भी इंडिया का जितना पोस्ट ऑफिस वगैरह है ना जी, सबसे ज़्यादा यही दिखेगा आपको ये स्टाइल में। देखिए पोस्ट ऑफिस में जो स्कैनिंग आप दिख रहे हैं ना, पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस, वहाँ ये बहुत सारे ये चलता है क्योंकि उसका उन लोगों का भी बहुत क्वालिटी टेस्टिंग होता है ना जी, इसलिए करके शायद ये सेलेक्ट किया होगा। मेरे को भी बहुत अच्छा पसंद आया इसका जो स्टाइल और उसका जो बारकोड जब स्कैन करता है उसका जो स्पीड वगैरह बहुत अच्छा लगा। और ये सब देखा ना जितना बहुत बड़ा हाई बजट जा रहा है, तो आप बजट अगर कम करना चाहते हैं है ना इसका बजट। और सुनिए इसका साथ कुछ सॉफ्टवेयर का भी चाहिए, सॉफ्टवेयर आपको कौन सा, मैं आपको लेके आता हूँ। ओके
अब ये वाला सॉफ्टवेयर देखिए, फुटवेयर बिजनेस के लिए रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर जो है, मैं इसका भी फुल एंड फुल रिव्यू देंगे किस तरीके से आपको काम पे आएंगे, कैसे बार कोड सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है जो सॉफ्टवेयर में ना जी, बहुत सारे चीज़ें जैसा आपको प्रिविलेज कार्ड चला सकता है, SMS चला सकता है, यानी कूपन कोड वगैरह चला सकता है, कस्टमर का ऑफर वगैरह जो होती है ना वो सब चला सकता है, कस्टमाइज्ड SMS चला सकता है कस्टमर को, सेल वगैरह आता है ना सभी कूपन वगैरह चला दीजिए अपने, और ऑटोमेटिक जितना भी आपका फुटवेयर आइटम्स है उसमें सारे में यानी बार कोड लेबल वगैरह चिपकाने के लिए ये सॉफ्टवेयर नंबर वन होती है, और अलग अलग डिज़ाइन का बार कोड उसमें है, और कस्टमर का जो इनवॉइस रिसिप्ट वगैरह होते हैं ना जी वो सब प्रिंट करने के लिए ये एकदम स्ट्रॉन्ग है और फास्ट भी एकदम, और उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, मैं आपको वन बाई वन वो भी दिखा देता हूँ। और ये जो सॉफ्टवेयर हमारे पास दो एडिशन है, ये गोल्ड एडिशन एक सिल्वर एडिशन, गोल्ड एडिशन सॉफ्टवेयर का 15,000 रुपीज़ है इसका, और सिल्वर एडिशन सॉफ्टवेयर का इसका 8,500 रुपीज़ है ना, मैं आपको वो भी आगे लेके चलता हूँ। देखिए अगर ये सब देखा आपने, ये सब देखेगा इतना बजट आपके हाथ में नहीं है, तो बजट अगर कम करना तो थोड़ा सा दिखावा कम करना पड़ेगा, मतलब उसका जो स्टाइल है ना जी, करेक्ट होना, मैंने गलत नहीं बोला ना जी, जो भी गलत बोलेगा तो आप सॉरी कीजिए, क्योंकि हमने बेसिकली केरला से, केरला में हमारा इतना हिंदी का जो क्या नाम है नॉलेज नहीं, अगर मेरा तरफ से कोई मिस्टेक वर्ड आ गया तो थोड़ा सॉरी कर देना जी प्लीज़ हाँ। ओके आगे लेके चलता हूँ सर। देखिए इसके अलावा देखिए ये जो टच स्क्रीन आपको मतलब नहीं चाहिए, हमको और कुछ लगाना है, देखिए ये हमारे पास नहीं है, छोड़ो इसको कुछ ये भी नहीं, मतलब ये चाहिए चाहिए क्योंकि ये बारकोड करने चाहिए चाहिए, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। आपके पास कोई लैपटॉप होता ना जी, आप खुद यूज़ करते हो, अपना जो पुराना भी लैपटॉप है लेकर रखो ना जी, इसमें चलता है, कोई मतलब टच स्क्रीन, कोई मतलब अलग से कंप्यूटर लेने का जरूरत नहीं है, कंप्यूटर तो आपका हाथ में होता ही होता है नॉर्मली ना, वो कंप्यूटर लेके लगा दीजिए आपने, उसी में से हम चला सकते दोस्तों, उसी में से आराम से, क्योंकि उसमें नॉर्मली अपना जो बिलिंग सॉफ्टवेयर वगैरह इसी इंस्टॉल कर सकता है, लैपटॉप से ही अपना जो प्रिंटर वगैरह कनेक्ट कर सकता है, और लैपटॉप से ही अपने जो भी बारकोड वगैरह सब कुछ कनेक्शन हो जाएंगे, सब कुछ एटीएसएल बारकोड से हो सकता है, और कैश ड्रॉअर आपको नहीं चाहिए नो प्रॉब्लम, नहीं चाहिए ना जी वो मतलब छोड़ दीजिए उसको, कैश ड्रॉअर भी इतना कंपलसरी चीज़ कुछ नहीं है ना जी, कल कैश ड्रॉअर लगाओ कंट्रोल कंपलसरी लगाओ, आप अगर स्टार्टअप करती है तो नॉर्मल, यानी मात्र आपको क्या क्या लगाना मैं बताता हूँ, मैं अभी सबका प्राइस दिखाया अभी, और ये सब मैंने नीचे रखता हूँ, और एक चीज़ का प्राइस मैंने बताया नहीं आपको, एक जैसा फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर का प्राइस नहीं बताया, नॉर्मल कंप्यूटर का प्राइस नहीं बताया, समझ लीजिए आपके पास टच स्क्रीन कंप्यूटर नहीं, नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर लगाना है तो ये नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर मॉनिटर्स में लगा दीजिए, लुक अच्छा मिलता है ना जी, क्या फ़र्क पड़ता है इसको, ये मॉनिटर आपको देखो 21 इंच का मॉनिटर है मेरे ख्याल से, ये आपको लगभग 4-5 हज़ार के अंदर मिल जाती है, 5,000 के अंदर मिल जाते मात्र मॉनिटर जी, और इसमें आपने देखिए ये देखो कैश ड्रॉअर लगाया ना जी, कैश ड्रॉअर के ऊपर ऐसे लगाइए, और कैश ड्रॉअर आपका कितना पड़ा 3,700 या 4,000 नीचे जो बॉक्स दिख रहा है, ये 4,000 रुपीज़ कुछ है, और इसके साथ जो CPU होता है ना जी मैं दिखाता हूँ आपको, नॉर्मल का नॉर्मल CPU, ये मैंने लास्ट टाइम लिया था कम से कम 1-2 वीक्स का पहले मैंने लिया था, ये देखिए ये जो CPU है, ये आप ऊपर लगाने की जरूरत नहीं, टेबल के नीचे लगाइए है ना जी, तभी भी आपको अच्छा दिखता है ना जी, देखिए ये फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर आपने इस तरीके से लगाया, और ये मॉनिटर इधर लगाया देखिए, और आपना स्कैनर इधर लगाया देखिए, और इसमें से जो भी केबल कनेक्ट करना है आपको टेबल के नीचे रखिए, तभी भी लुक मिलता है ना जी आपको, दिखावा अच्छा है ना जी, देखिए बढ़िया दिखता है ना जी, इसमें आपको क्या सस्ता होंगे, ये जो i5 प्रोसेसर थर्ड जनरेशन प्रोसेसर के साथ i5 प्रोसेसर के साथ मैंने ये जो CPU लिया था, ये एग्जैक्टली मुझे पड़ा अराउंड 13,000 के नीचे लगा, 12,500 या 13,000 के अंदर मेरे को ये कंप्यूटर मिला, CPU कंप्यूटर i5 प्रोसेसर थर्ड जनरेशन,
ये वो ज़्यादा है कम नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे से उतना लिया था वो, मैं लोकल इधर असम्बली करवा दिया था। कंप्यूटर जो भी हम असम्बल करके ले सकते हैं जी, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बेसिकली डेस्कटॉप कंप्यूटर में ना लोकल असम्बली हो, ब्रांडेड ले लो, उसमें मेरे हिसाब से कोई, देखो मेरा ऑफिस में लगभग 30 के ऊपर कंप्यूटर, 30 का ऊपर, सब कुछ हमने असम्बल करके लगाया था, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल से ऊपर है ना जी अभी, अभी 3 साल के बोले, कुछ कंप्यूटर अभी रिसेंटली लिया था 5-6 महीने के अंदर, बढ़िया चलता है वो सब, है ना जी। तो आपको एक आइडिया मिला या नहीं मिला? नहीं मिला ना अभी तक आइडिया, सही समझ लीजिए। हम पैकेज दिखाएंगे आपको, फिर देखिए एक एक पैकेज करके आपको दिखा दो। देखिए ये हमने ऐसा लगाया, ये हमने ऐसा लगाया, देखिए इस तरीके से भी चला सकते हैं, राइट। इसको कितना खर्चा होगा कंप्यूटर का? मेरे ख्याल से ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर 13,000 प्लस 4,000 कितना हो गया जी, 13 प्लस 4, मेरा कैलकुलेशन बहुत कम हो गया, 13 प्लस 4 17,000 हो गया कंप्यूटर को। अगर अपने पास कंप्यूटर है तो उसको उसको लगा दीजिए, और आपको लगाना है 3,500 इसमें, यानी ये जो कैश ड्रॉयर, प्लस आपको 13,500 लगेगा ये जो, और 13,500 हो रहा टोटल, यानी उसका जो प्राइस, प्लस आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर लगेगा, यानी हार्डवेयर का ये प्राइस लग रहा है। अब अगर आपका पास समझ लीजिए एक लैपटॉप आपका खुद का है, ये सब हम निकाल देंगे, कैश ड्रॉयर समझ लीजिए, अगर बजट कम करना तो वो भी हम दिखा देता हूँ। देखिए ये सब हम निकाल देता हूँ, मात्र एक प्रिंटर ले लीजिएगा, ठीक है जी, और अपना लैपटॉप लगा दीजिएगा, लैपटॉप से चला सकता है, और एक बार कोड का ये चाहिए आपको, प्लस ये इसमें लगाने के लिए जो स्टिकर रोल चाहिए, पेपर रोल चाहिए, और ये चाहिए जो रिबन, और आपको चाहिए एक बिलिंग सॉफ्टवेयर, इसमें से भी चला सकता है आपका, बढ़िया चला सकता है जी इसमें से आपका जो रिटेल बिजनेस, यानी आपका जो फुटवेयर आइटम्स जो भी आती है उसके बिजनेस। इसका भी प्राइस मैं बता दूं, देखिए 2500 प्लस इसका जो है 60 रुपीस पकड़ो पर रोल, और उसका 200 रुपीस पकड़ो समझ लीजिए, इसका 350 रुपीस पकड़िए, और ये जो प्रिंटर है कॉम्बो प्रिंटर जिसमें आपको बार कोड रिसिप्ट दोनों आती है, इसको 13,700 इसका प्राइस, प्लस गोल्ड एडिशन सॉफ्टवेयर को 15,000 इसका प्राइस। बस इतना मैं चला सकता हूँ, मैं आपको कैलकुलेट करके एक बार बताता हूँ। आपको चाहिए प्रिंटर 13,700 प्लस आपको ये जो ना दो 300 रुपीस, 300 प्लस 60 रुपीस प्लस इसका 300 है मेरे हिसाब से, देखिएगा इसका भी 350 डालिए पर रोल, 350 प्लस, और आपको ये लगा दीजिए 2500 प्लस, ये आपको अभी 16,900 रुपया हो गया, बस इतना चीज़ हार्डवेयर, ठीक है जी, 16,900 में आपको सारे हार्डवेयर मिल जाएगा जी, एकदम नंबर वन। मात्र आप अपना लैपटॉप लगा दीजिए, आप इतना हार्डवेयर मात्र 16,900 रुपीज़ में आपको मिल जाती है, प्लस आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए रेंटेक POS, इसमें आपका चॉइस है जी। अगर हाई फीचर्स आपको चाहिए तो आप 15,000 में ये ले सकता है, 15,000 वाला जो सॉफ्टवेयर ले सकता है, और आपको अगर समझ लीजिए लेस फीचर का चाहिए आपको 8,500 में मिल सकता है, प्लस मात्र आपको 16,900 में आपको हार्डवेयर मिल जाती है, और कोई हार्डवेयर का जरूरत नहीं, मात्र इतना ही हार्डवेयर जरूरत है दोस्तों, प्लस आपको सॉफ्टवेयर लगा दीजिए। तो आप इस बजट में आराम से आपका बार कोड भी प्रिंट कर सकता है, रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकता है, सब कुछ, और आपको अगर ज़रूरत है तो आपको एक SMS का पैकेज ले लीजिएगा अलग से। SMS पैकेज आपको 1,500 रुपीज़ में 10,000 SMS मिलती है। ये SMS क्यों हमने लगाती है? जब भी हमने सेल करते वक्त तुरंत कस्टमर का मोबाइल पे SMS पहुंचाती है, तो उसमें ना एक अलग फील होता है जी कस्टमर को, क्योंकि वो मार्केटिंग के लिए बहुत बढ़िया होता है।
और आपको प्रिविलेज कार्ड कुछ बना दीजिए, हम बना के देती है अभी प्रिविलेज कार्ड, रेंटेक POS बना के देती है, अपना वेबसाइट में भी देख सकते हैं उसका पूरा बहुत सारा डिजाइन हमने बना के रखा हुआ है। और उसमें क्या होता है, जैसा बहुत सारा डिजाइन से आपने उसका आपका लोगो वगैरह देना है उसको बना के, फिर आपका साइन करके फिर हम बनाते हैं उसको, है ना जी। तो इस तरीके से इतना ही बजट आपको होंगे ये रिटेल बिजनेस, फुटवेयर बिजनेस वगैरह चलाने के लिए। और इसमें किस तरीके से बारकोड बनाना है, किस तरीके से बिल बनाना है, सब कुछ मैंने नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, आप इसको कंटिन्यू देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।